बुलीबाई ऐप मामले में कई पीड़िताएं सामने आई हैं। मुंबई, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में आपराधिक मामला दर्ज किया है। सैफ आलम जो कि पेशे से वकील हैं, उन्होंने मुंबई साइबर पुलिस में आकर मुलाकात की और कहां तक जांच पहुंची उसका मुआयना किया। सैफ जी, सबसे पहले तो आपको जानना चाहूंगा कि ये पूरा प्रकरण जो बुलीबाई का है, जिसको लेकर महिलाएं सामने आ रही हैं, कितनी पीड़ित महिलाएं अब तक सामने आई हैं और किस प्रकार की शिकायत दर्ज कराई गई है? देखिए, विक्टिम्स जो है वो काफी विक्टिम्स अभी आगे आ रहे हैं, हर डिफरेंट स्टेट्स में जाके कंप्लेंट हो रही है। मुंबई में कल FIR दर्ज हुई है और आज भी एक एप्लीकेशन गया है। एंड सेकेंडली, आज हैदराबाद में भी दो विक्टिम्स कंप्लेंट करने जा रही है, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उनमें से एक 69 ईयर ओल्ड सोशल एक्टिविस्ट है जो ग्राउंड पे काम कर रही है, एनजीओ का काम की है। उनका भी नाम इन्होंने दूसरी बार लिया, सूर्य डीजल से भी लिया था, अभी भी लिया है। एंड ऐसा है कि अभी जो है वो आउटरेज इन्होंने जो किया है मॉडेस्टी के खिलाफ, मुस्लिम वुमन के खिलाफ जो किया है, वो आगे ना दोहराए करके हम इस बार एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और मुंबई पुलिस ने इसीलिए इनिशिएट किया है अपने FIR, और वो पिछले दो दिन से जो DCP है वो दो दिन से इस पे काम कर रही है। मुंबई में कितनी लड़कियां या कितनी पीड़ित महिलाएं हैं और उनकी क्या शिकायत है, और क्या आप उनके बतौर वकील आप लोगों ने अप्रोच किया है या कोई संस्था के तौर पर आपने अप्रोच किया पुलिस को? नहीं, ये तो जो है मैं जिनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो बतौर वकील रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जिन्होंने FIR दिया वो इंडिविजुअली जाके करे FIR। एंड सेकेंडली, जो महिलाएं तो बहुत सारी है, देखो शबाना आजमी का भी नाम लिया, राणा अयूब का भी नाम लिया है, राणा सफी जो राइटर है उनका भी नाम लिया है। तो सोचिए ये लोग की मतलब कितनी आइडियोलॉजी कितनी बेकार हो चुकी है कि ये लोग किसी भी हद तक वुमेन को ये करने आउटरेज उनका मॉडेस्टी का आउटरेज करने के लिए उतर चुके हैं। सो बेसिकली ये इतनी घिनता की बात है कि अगर उनको पकड़ा ना जाए तो हमें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होने पर शर्म आएगी। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? मुंबई पुलिस ने तो 153A लिया है, 295A लिया है, 354 लिया है, और बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट सेक्शंस है जो सीरियस सेक्शंस है वो दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने लिया FIR पर बेलेबल ऑफेंस है बहुत सारे। बहुत बहुत शुक्रिया सैफ आलम, जो कि पीड़ित महिलाओं की तरफ से मुंबई के साइबर थाने पहुंचे हुए थे, और इनका कहना है कि देश के कई शहरों में इस प्रकार के मामले हैं और महिलाओं को इस प्रकार से आपत्तिजनक तरीके से उन्हें पेश किया गया है, जिसमें लगभग 69 साल की एक महिला भी है और कई प्रभावी महिलाएं भी हैं जिनका नाम इस पूरे मामले में है। फिलहाल इनका कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और पिछले कई दिनों से मुंबई पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है और लगातार इस मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।